आपको सत श्रीकाल नमस्कार। तो कैसे आप लोग, आज मैं आप लोगों का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। अभी मैं ओमान में हूँ, तो मैं अभी जहाँ पे हूँ जिस जगह पे, वो ओमान का एक बॉर्डर एरिया है, ये सऊदी और यूएई का, यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पर कैमल रहते हैं, और वहाँ पे कैमल का कैसे वहाँ पे रहते हैं वो लोग जो कैमल चराते हैं, कैमल को खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो लोग कौन है और कहाँ से आते हैं, वो ओमानी हैं या बाहर के रहने वाले हैं, और उनका जो भी रहन सहन है वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा। वहाँ पे खजूर के बाग हैं, और पानी कहाँ से आता है, पानी ज़्यादातर पानी जो है वो ज़मीन से आता है, अपने आप ही पानी निकलता है, पानी के चश्मा बोलते हैं उसको, पानी के चश्मे होते हैं, यानी अपने हिंदी में कहते हो स्रोत होता है पानी का, वो अपने आप ही निकलता है वहाँ से। तो वो सब दिखाऊंगा आपको। बाग है वहाँ पे, बहुत एडवेंचरस रहेगा, और जो उर्दू में नखलिस्तान कहते हैं वो सब दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहिएगा। ये मैं अभी डेजर्ट में आया हूँ, एकदम पूरा रेगिस्तान है ये, देखिए मेरे चारों तरफ। तो भाई डेजर्ट में आ गया हूँ मैं कैमल देखने के लिए। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 50 से ऊपर डेली का रहता है। अभी जब मैं आया उधर तो बादल है, धूप नहीं है, इसलिए तो आराम है। चलो, अगर डेजर्ट में जीना है तो पानी बहुत ज़रूरी है। अभी जब मैं आया था तो मैं पानी नहीं ले रहा था, लेकिन जो बंदा मेरे साथ था उसने कहा भाई पानी के बिना इधर मत रुकना, पानी ले लो। ज़बरदस्ती उसने मेरे को पानी दिया। मैं सोचा पानी क्या करूँगा, अभी मेरे को पता चला मैं केवल 10-15 मिनट ही हुआ है मेरे को, प्यास से बहुत बुरा हाल है। ये खजूर देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। इनमें एक चीज़ लगाई जाती है, ये पेड़ जो है ये मादा है, यानी ये लेडी पेड़ है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। इस जो खजूर का मेल पेड़ होता है उसमें से कुछ बुरादा सा निकालते हैं उसका, और फिर वो इसको लगाते हैं इन खजूर में। अगर वो नहीं लगाएंगे तो ये जो देख रहे हैं ना, ये पकने से पहले ही ये नीचे गिर जाएंगे सारे के सारे। देखो ये नया खजूर का बाग में आया हूँ, ये टोटल खजूर का है ना। देखिए मछली भी, ये पानी जो है भाई साहब बता रहे हैं पहाड़ से आता है ना, पूरा पहाड़ से आता है, ये पहाड़ से पानी आता है, तो सिस्टम बना रखा है इन्होंने, बाहर से पानी आता है इधर सब टोटल खजूर के बाग में। ये मस्जिद है मेरे लिए, ये मस्जिद है, ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये। ओ माशाल्लाह, ये यही तो मैं देखने देता। ये देखिए लगभग 200 साल पुरानी मस्जिद, भाई मैंने तो ऐसी मस्जिद नहीं देखी, 200 साल पुरानी मस्जिद है। तो भाई अभी मैं हूँ जहाँ पे खड़ा हूँ, ये एक मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है, ये लगभग होगी 200-300 साल पुरानी मस्जिद है। इसको देख आप लोग देख के समझ गए होंगे कि कितनी पुरानी है। मैं अभी हूँ, ये जो एरिया है ये पड़ता है ओमान का एरिया है ये, लेकिन ये सऊदी बॉर्डर काफ़ी नज़दीक है यहाँ पे, तो सऊदी बॉर्डर के करीब में है। और ये मस्जिद जो बनावट है वो देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि टोटल मड का है, यानी कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, करीब 200 साल पुरानी बताया जा रहा है। मैंने अभी पूछा तो ये कह रहे हैं जो बूढ़े, जो काफ़ी बूढ़े लोग हैं वो भी नहीं बता पा रहे इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है। मैं आपको इसके अंदर का दिखाता हूँ क्या है, ये देखिए ये पूरा गिर गया है, इसका छत कैसे बना था क्या है, पत्थर लगे हुए हैं सब टोटल। पंखा भी है, कभी वो लगा हुआ है उसके अंदर, वो निकाला नहीं है, वो हॉर्न पड़ा हुआ है, पंखा है। इसके दूसरे साइड में पीछे बना दी गई है दूसरी मस्जिद, लेकिन अभी इसको गिराया नहीं है, ये अपने आप गिरी है, बाकी इसको गिराया नहीं है, ना ही ये लोग गिराएंगे इसको। यहाँ की एक खासियत है कि लोग जो है जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाती हैं, अपने आप ही गिरेंगी, उसको कोई गिराएगा नहीं, खुद से नहीं गिराता। कलर अजीब सा कलर है, लाल एकदम,
रेड कलर के खजूर, हाथ से छू के देख सकते हैं खजूर। गर्मी बहुत है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए पसीने पसीना हो गया पूरा चेहरा, तो मैं सोचा थोड़ा सफाई कर लीजिए, वही कर रहा हूँ। पूरे चेहरे पसीना हो गया, तो ऐसे नमक सबसे पानी आता है पहाड़ों से आता है, स्रोत होता है ना ज़मीन से निकलता है, वैसे पहाड़ों से भी स्रोत होते हैं, वो ज़मीन से निकलता है पहाड़ों के अंदर से, वही पानी वो नालियाँ बना रखी हैं सब टोटल पक्की नालियाँ, वही पानी आता है टोटल खजूर के जितनी भी बाग है ना सब में जाता है, सबको मिलता है। अभी ये देखिए भाई साहब इधर नहा रहे हैं, नहा लिए? हाँ मुश्किल नहीं। ये देखिए अंदर लाइट नहीं है क्या इसमें? नहीं इधर लाइट नहीं। ये देखिए नहाने का बना रखा है, यहीं पे पानी निकल रहा है और नहाते हैं यहीं पे, कितना अच्छा सिस्टम है, ताज़ा पानी मिलता है यहीं पे नहाते हैं, यहाँ पे बैठ के अरे नहा रहे थे भाई साहब आराम से, ना मुश्किल नहीं, बढ़िया है ना। यहाँ तो कितने साल से हैं यहाँ पे आप? यार 10 साल होते। 10 साल कितनी सैलरी देते हैं? चले हमारा बिल्डिंग का काम होता है, 8 रियल मिलता है रोज। 8 रियल बिल्डिंग में मिलता है? इधर कितना मिलता है? इधर नहीं हमारा, इधर साल। अच्छा इधर रुकते हो? के वाला इधर रुकते हैं, हमारा रुकते घर इधर। अच्छा अच्छा इधर सब ही रुकते हैं। अच्छा ये सब टोटल बना है ऐसे ही? टोटल है ऐसे। वाह, अपने वहाँ जैसे होता है ना नदी के किनारे नहर के किनारे हैं तो यहाँ पे बना रखा है। देखिए अंधेरा है यहाँ पे, ये देखिए सब इधर बैठते वो पानी बह रहा है, देखिए पानी बहता हुआ पानी। तो टोटल वॉशरूम जैसे सब के सब बने हुए हैं। इधर बैठ के मग्गे से नहाओ आराम से, नहाना तो इधर भी नहा सकते हो लेकिन इधर आउट है, थोड़ा ठीक नहीं लगता वो, अंदर नहाने के लिए ठीक है। और ये पास में ही मॉस्क है, मस्जिद है, इधर नमाज़ पढ़ते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम। अरे अच्छा अच्छा, क्या नाम है भाई जान आपका? हुसैनी। अबुल हुसैन। अबुल हुसैन, माशाल्लाह माशा। यहाँ पर ओमान में कितने साल से हैं? अभी इसका याद आता 10 हो जाता 17। कितना होगा? 27 साल क्या? 30 होता है। एज कितनी है आपकी? 20। उम्र कितनी है आपकी? 50। वो पूरी ज़िंदगी इधर गुजार दी है? बांग्लादेश से है ना? बांग्लादेश में कहाँ से? चट्टगांव से। चट्टगांव। दिन में ये 50 के ऊपर भी निकल जाता है टेम्परेचर, लेकिन जो रात आती है ना तो शाम से ही थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है। वैसे आज का मौसम था यहाँ पे बादल है, पूरा दिन हो गया आज बादल ही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं इस गाड़ी से जाने वाला हूँ, ये गाड़ी में बैठ के कहीं घूमने जा रहा हूँ मैं। We'll be right back.
ये देखिए छोटे बच्चे हैं यहाँ पर ऊँट के, और एक पीछे उसके वाइट कलर का भी खड़ा हुआ है। सब बच्चे लोग हैं ये ऊँट के। तो मैं ऊँट के एरिया में आ गया हूँ। बहुत फ्रेंडली होते हैं वो ऊँट। मैंने उनसे पूछा कि मारे हो रहेगा, तो मैंने कहा नहीं, कोई ऐसा ऊँट नहीं है जो किसी को मारता है। कुछ कोई भी ऊँट ऐसा अग्रेसिव नहीं है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने कभी ऊँट नहीं देखा, आज मैं ऊँट को टच करके देख रहा हूँ। एक खजूर ऊँट को खिलाने के लिए, ऊँट को खिलाने के लिए ना। ये वो मेरे को लगा ऊँट, ये फ्रेश डेट है। भाई पानी भी आई है यार, थोड़ा है बोलो। ये भाई देखो ताजे खजूर है एकदम फ्रेश। ये फार्म है और ये खजूर रत्तम रत्तम डोका डोका ओ छोटा बचाया है। अपने अपनी माँ का दूध पिएगा। अभी दूध निकाले हैं, मैं वो दूध निकालते हुए देखूंगा और फिर दूध भी पीऊंगा। ड्रम ला जाए ड्रम किन्ना के बजाने अच्छा।